सोलन में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। वहीं सह प्रभारी गुरकीरत सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री विभद सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री, स्थानीय विधायक धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। सम्मेलन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारी जोश के साथ भाग लिया। इस मौके पर सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया और कहा कि कुछ दिनों से नेताओं के विचारों में खटास नजर आ रही थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है और इसी के लिए सभी बड़े नेता आज एक मंच पर नजर आ रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू और वीरभद्र सिंह को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों नेताओं ने अपनी अपनी तलवारें म्यान में रख ली हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की राजनीतिक मुश्किलें खत्म हो रही हैं और उनका विरोध करने वाला कोई नहीं है। इस मौके पर प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि भारत में सपनों का सौदागर आया है, जो भारतवासियों को सपनों की दुनिया में ले गया है और वायदे किए कि भाजपा आने पर महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी, गैस सस्ती हो जाएगी, सभी के खातों में पैसा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसके चलते आज भारतवासियों के सभी सपने टूट चुके हैं और वह बार बार उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में इमरजेंसी जैसी हालात हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और कांग्रेस चारों सीटों पर विजय हासिल करेगी। 2014 में हमारे ही लोगों ने बहुत सपने जब बेचते हैं, सपनों का सौदा बनाया और सपना बेच के चला गया। हम लोगों को लगा चलो ठीक है, एक बार चेंज करके देखेंगे। मैं इनको मानती हूँ कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है उसको मोदी जी के हाथ कोई करने से रहा। हमने सब कुछ किया, सब कुछ किया है, हमें मार्केटिंग करना नहीं आया। आप सामने नारे किसी एक के नहीं, नारे सिर्फ तीन लगने चाहिए, कांग्रेस जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद एंड राहुल गांधी जिंदाबाद। हम बाकी हमारा कोई मायना रखते नहीं है और ये सब ध्यान रखना चाहिए। तो एक कोने से एक आवाज, दूसरे कोने से दूसरी आवाज, तीसरे कोने से तीसरी आवाज, ये पहली बार मैंने हिमाचल में देखी। तो खुद राज्यसभा के बाहर उनको पत्रकारों ने पूछा कि आपने ऐसा बोला 15 लाख रुपए देंगे, आपने ऐसा बोला कि महंगाई कम करेंगे, खुद अमित शाह बोल रहे, हम नहीं बोल रहे, अमित शाह बोल रहे। आज अघोषित इमरजेंसी, अघोषित आनी बानी जिसको बोलते हैं, इसका जमाना आज हुआ है। आज ना हम कुछ अपना मन का बोल सकते हैं, ना हम अपना खुद का पहन सकते हैं, ना खाने के लिए भी पूछते हैं क्या खा रहे हैं। वहीं इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री विभद्र सिंह ने अलग अलग गुटों पर उनके और सुक्खू के हित में नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि वह जिसके लिए भी नारे लगाते हो, लेकिन वह सभी कार्यकर्ताओं को अपना मानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश और देश में कांग्रेस ने विजय हासिल करनी है तो सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की कदर करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सीटी बजाने पर नहीं आते, बल्कि हमेशा उन्हें अहमियत देना आवश्यक होता है। चाहे मेरे वर्कर है, चाहे सुखू जी वर्कर है, सुखू जी वर्कर है, जो भी वर्कर है, हम तो सब मेरे वर्कर है। सब को और भी करने के लिए वचन करो काम करें और प्रदेश की एकता अखंडता को कायम रखें, इसी से ही प्रदेश आगे बढ़ सकता है। आपको धन्यवाद। इस मौके पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कार्यकर्ताओं के कारण कांग्रेस एकजुटता से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हर पंचायत में कांग्रेस का कार्यकर्ता मौजूद है, जो कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर कांग्रेस इस बार चारों की चारों सीटों पर विजय हासिल करेगी और भाजपा को करारा जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी एकजुटता से आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में हर जिला स्तर पर रैलियां होगी और मैडम रजनी पाटिल जी ने दिशा निर्देश दिया है कि ये तो लक्ष्य 2019 है, हम बुनियाद 2017 में लोगों के घर तक जाएंगे। मैं अपने कार्यकर्ताओं को और सम्मानित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं को इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि हर पंचायत में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जिंदा है
और जब तक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जिंदा है, कांग्रेस पार्टी आने वाले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ एक कम कड़ा प्रहार करेगी और इस प्रहार को जो आने वाले समय में चुनाव जीतने के लिए होगा, हमें और मेहनत करने की जरूरत है। कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार में हम कई बार भावनाओं में खो जाते हैं। हम इंसान हैं।